अपने सुजुकी कार्स के पीछे LXi, VXi, ZXi, LDi, VDi, ZDi और होंडा कार्स के पीछे EMD, SMD, SVMD, SAT, VAT उन शब्दों को कोई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते होंगे कि उनका क्या मतलब होता है, क्यों इन सब कार के पीछे लिखा होता है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि उनका क्या मतलब होता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आप देख सके। तो देखिए, कार्स के पीछे अलग अलग शब्द लिखे होते हैं। एक कार को मॉडल यानी वेरिएंट को दर्शाते हैं। इंसान को पता चलता है कि कार्स का कौन सा मॉडल है यानी कौन सा वेरिएंट है, जैसे कि बेसिक मॉडल, मिड रेंज मॉडल, टॉप मॉडल, ये हमें पता चलने में मदद मिलती है। अलग अलग कार कंपनी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती है। आपको सुजुकी कंपनियों की कार के पीछे LXi, VXi, ZXi, LDi, VDi और ZDi शब्दों देखने मिलेंगे। ये कार के अलग अलग मॉडल दर्शाते हैं, जैसे कि LXi, VXi, ZXi में XI के लेटर्स पेट्रोल इंजन को दर्शाते हैं, यानी XI का मतलब होता है ये कार पेट्रोल पर चलती है। वही LDi, VDi, ZDi में DI ये लेटर्स डीजल इंजन यानी को डीजल का मतलब होता है कार डीजल पर चलता है। इन पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में ये जो LV एंड ZX लेटर्स होते हैं वो कार्स के अलग अलग मॉडल्स दर्शाते हैं, जैसे कि L का मतलब होते हैं कार का लोअर वेरिएंट यानी बेसिक वेरिएंट, V का मतलब होता है कार का मिड रेंज वेरिएंट और Z का मतलब होता है कार का टॉप मॉडल। तो LXi का मतलब होता है कार का बेसिक वेरिएंट। ये बाकी मॉडल्स से सबसे सस्ता वेरिएंट होता है। इनमें से कुछ बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC, फ्रंट पावर विंडोज और अन्य कुछ बेसिक फीचर्स। वही वेले VXi का मतलब होता है पेट्रोल कार्स का मिड रेंज मॉडल, यानी ये मॉडल बेसिक मॉडल से थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं। इस कार के वेरिएंट में कुछ ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड रियर पावर विंडो, कंट्रोल लॉकिंग, सेंटर लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, ऑप्शन ABC और अन्य ज़्यादातर फीचर्स दिए जाते हैं। वही ZXi प्लस में मतलब होता है कि पेट्रोल कार का टॉप वेरिएंट है। यह कार का सबसे महंगा मॉडल होता है। इस मॉडल सभी फीचर्स दिए जाते हैं और प्रीमियर क्वालिटी की फैसिलिटी दी जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे ABS, एयरबैग्स, ऑटो AC और सभी टॉप क्लास के फीचर्स दिए जाते हैं। डीजल वेरिएंट में भी ऐसा ही होता है, जैसे LDi का मतलब होता है डीजल कार का बेसिक मॉडल, VDi का मतलब होता है डीजल कार का मिड रेंज मॉडल, ZDi का मतलब होता है डीजल कार का टॉप मॉडल। तो डीजल और पेट्रोल कार के सेम मॉडल में सेम फीचर्स दिए जाते हैं। वही आपको होंडा कार के पीछे EMT, SMT, SVMT, VMT, VXMT, SAT, VAT, SCVT और VCVT ये शब्द देखने को मिलेंगे। ये भी कार को अलग अलग वेरिएंट को दर्शाते हैं। इनमें ES, SV, V और VX कार का अलग अलग मॉडल्स दर्शाते हैं, जैसे कि E मतलब बेसिक मॉडल होता है, S मतलब उसका ऊपर का मॉडल होता है। ऐसे करते करते VX टॉप मॉडल में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादातर फीचर्स होता है और सबसे महंगा होता है। उसके बाद MT का मतलब होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी इसमें आपको गियर्स चेंज करना पड़ता है। इसके बाद AT का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी इसमें गियर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, आपको गियर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद CVT का मतलब होता है कंटिन्यू वेरिएबल ट्रांसमिशन, ये ऑटोमेटिक गियर से थोड़ा एडवांस होता है। तो ये था कार्स के अलग अलग मॉडल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और फैक्ट्स दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू।